in this video i'm going to explain about the new concept named as categorization of species जब हमने बात की थी फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया की तो हमने देखा था कि अर्थ में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है मतलब यहाँ पर एन नंबर ऑफ एनिमल्स प्लांट्स उनकी स्पेशज़ सो मैनी वाइटीज़ जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स तो अर्थ क्या है एक वेब है बायोडाइवर्सिटी का बायो डाइवर्सिटी की जहाँ पर आपके तरह तरह के प्लांट्स एनिमल्स उनकी आगे फर्दर वाइटीज़ को इंक्लूड किया जाता है तो अभी क्या हम पढ़ने वाले हैं स्पीशीज जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज हैं उनको कैटेगराइज़ किया गया है ये देखने के लिए कि वर्ल्ड में वो कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं कितनी एंडेंजर्ड सिचुएशंस में हैं और कितनी ख़त्म हो चुकी हैं और ये कैटेगराइजेशन किसने किया है आई यू सी एन ये क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर International Union for Conservation of Nature। तो so, IUCN ने क्या किया है? Species को categorize किया गया है। सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ़ आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसमें इन स्पेशज़ को कैटेगराइज़ किया गया है ताकि इनकी एग्जिस्टेंस का इनके नंबर्स का पता लग सके कि, कि कितनी रह गई हैं कितनी डेंजर सिचुएशंस में और कितनी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं तो फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर आती है आपकी नॉर्मल स्पिशज़ अब नॉर्मल स्पेशज वो स्पेशज हैं जिनकी कंडीशंस अभी नॉर्मल है ये एन नंबर ऑफ़ एग्जिस्टेंस में हमें देखने को मिल रही हैं यानी इनके ऊपर अभी कोई खतरा नहीं है इनकी सर्वाइवल कंडीशन जो है पॉसिबल है वर्ल्ड के ऊपर और ये कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल हैं कैटल पाइन रॉडेंट्स एक्सेट्रा मतलब ये एन नंबर ऑफ़ ईयर्स तक अभी वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकेंगी उसके बाद है एंड डेंजर्ड फिशेज़ एंड डेंजर स्पीशीज़ वो हैं जो हाई रिस्क फेस कर रही हैं एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म होने का यानी आने वाले सालों में अब बहुत कम साल ही ऐसे रह गए हैं जिन जहाँ तक ये सर्वाइव कर पाएंगी और आने वाले सालों में ये भी ख़त्म हो जाएंगी वर्ल्ड में से इनके एग्जाम्पल हैं ब्लैक बर्ग क्रॉकोडाइल इंडियन रहीनो उसके बाद आती हैं आपकी वन रेबल अब कौन सी हैं वनरेबल स्पेशज़ वो स्पेशज़ हैं जो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंजेज़ और पोल्यूशन डीफॉरस्ट्रेस ये तो बेसिक रीजनस हैं जो इन सभी स्पेशज के ख़त्म होने का मेन रीज़न है मेन कारण है तो वनरेबल स्पेशीज़ वो स्पेशज हैं जो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई हैं और ये भी बहुत जल्द एंड डेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी इसके एग्जाम्पल हैं ब्लूशिप एशिएटिक एलिफेंट द नेक्स्ट इज रेयर स्पेशज रेयर का मतलब होता है बहुत कम यानी रेयर स्पेशज के अंदर जो भी आपके एनिमल्स या प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं बहुत थोड़ी उनकी पॉपुलेशन रह गई है और इन द सेम सेंस ये भी आने वाले दिनों में आने वाले सालों में वन या एंड कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएंगे अगर इनको भी ध्यान से ना रखा गया और ऐसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन वर्ल्ड की यू कैन से इंडिया की खराब होती चली गई लाइक पोलूशन बढ़ता ही जा रहा है पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है तो अगर इनके कैटेगरी पर भी ध्यान ना दिया गया तो बहुत जल्द ही ये भी वॉनरेबल एंड डेंजर्ड कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी देन है एंडमिक एंडमिक स्पेश या कैटेगरी के अंदर जो भी स्पेशज आती हैं वो ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही पाई जाती हैं ड्यू टू द जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स क्योंकि या तो जैसे वो होते हैं बर्फीले भालू वो बहुत ज़्यादा बर्फ वाले प्लेसेस पर ही रह सकते हैं अगर आप उनको कहीं और ला के रख दोगे दे कांट सर्वाइव ओवर देयर तो एंडेमिक के अंदर क्या है वो एनिमल्स या प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही पाए जाते हैं लेकिन इनके साथ भी सेम सिचुएशंस हो रही हैं ये भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई हैं और बहुत जल्द ये भी एंडेंजर्ड या वनरेबल के अंदर आ जाएंगी इसके एग्जांपल है अंडमान वाइल्ड पिग निकोबार पिजन एक्सेट्रा एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त हो जाना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना जब इस कैटेगरी के एनिमल्स का सर्वे किया गया जहाँ पर ये पाए जाते थे वहाँ जाकर सर्वे किया गया तो ये वहाँ पर नहीं मिले इसका मतलब है कि इनकी जो कैटेगरीज हैं या स्पीशीज़ हैं जो भी एनिमल्स की वो वर्ल्ड में से ओवरऑल ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि सर्वे करने पर ये वहाँ पर नहीं मिले जहाँ पर पहले इन्हें देखा जाता था इसके एग्जाम्पल हैं एशियाटिक चीता पिंक हैडेड डग अब इन सभी कैटेगरीज का खत्म होना या कम होना इनके सभी के पीछे बेसिक रीजंस जो हैं यही है कि पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रही है और क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी स्पीड से हो रहा है उतनी स्पीड से आप प्लांटेशन या जो जंगल हैं फॉरेस्ट हैं वो उतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हजारों साल लगते हैं जंगल को बनने में फॉरेस्ट को बनने में तो क्या हो रहा है इन सभी रीजंस की वजह से ड्यू टू द पॉल्यूशन हायर पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन डीफॉरेस्टेशन जंगल आपके फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं इन्हें खाने के लिए नहीं मिल पाता है रहने के लिए प्लेसेस नहीं मिल पाते हैं एज रिज़ल्ट अच्छी जोग्राफिकल कंडीशंस ना होने की वजह से इनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है नंबर जो है इनके डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं और एक दिन एक्सटिंक कैटेगरीज में ये इंक्लूड हो जाते हैं और जो अभी वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में आपके इंडेंजर्ड या मनरेबल कैटेगरीज़ में शामिल हो जाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्पिशेज अभी अर्थ पर रह गई हैं बच गई हैं उनको बहुत ध्यान से केयर से रखा जाए ताकि वो इंडेंजर्ड कैटेगरीज़ में इंक्लूड ना हो